शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहने वाले एक 32 साल के युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बताया गया है कि मृतक मोहना के बड़े गांव का रहने वाला है। वह जियो कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में रिंगर की जॉब करता था। इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी राजगढ़ जिले में शिक्षक के पद पर पदस्थ है और वहीं रहकर अपनी नौकरी कर रही थी। मृतक अपने पीछे 8 और 5 साल की बेटियों को पीछे छोड़ गया है। मृतक के बड़े भाई शिशुपाल धाकड़ ने बताया कि फतेहपुर क्षेत्र में उसका 32 साल का छोटा भाई धर्मेंद्र धाकड़ किराए का मकान लेकर रह रहा था। आज सुबह 9:30 बजे पड़ोसियों के द्वारा सूचना मिली कि उसके छोटे भाई ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। शिशुपाल ने अपने भाई धर्मेंद्र के द्वारा लगाई गई फांसी संदिग्ध माना जा रहा है। बता दें कि मृतक ने सुसाइड नोट में नहीं छोड़ा है। कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप मामले की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले? मैं मोहना बड़े गांव का। ये कौन थे आप? छोटा भैया। क्या नाम था? धर्मेंद्र धाकड़। उम्र कितनी होगी? 32 साल। क्यों फांसी लगा दी? अब इसका तो पता नहीं है क्यों लगाई है, अब पता लगेगा। कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। शादी शुदा? हाँ। वाइफ कहाँ रहती है? वाइफ गुना रहती है। क्यों? वो गवर्नमेंट जॉब में मास्टर है। अच्छा। हाँ, दो बच्चे हैं। तो कोई बाद विवाद? बाद विवाद ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया है और अभी पोस्टमार्टम में पता लगेगा। तो ये अकेले ही रहते थे? हाँ, अकेले ही रहता था। अच्छा। ये कि लग नहीं रहा है कि फांसी लगाई है उसने। अच्छा। हाँ, क्योंकि जिस पोजीशन में मिला है वो। नहीं, पुलिस बता रही है फांसी लगाई है। पुलिस ने तो बताया कि फांसी लगा रही है। हाँ, ये अकेले ही रहते थे? हाँ, अकेले। रात में बात हुई है क्या आपसे? हाँ, रात में 9 बजे के आसपास लोगों से मिला भी और बात भी हुई है। कितने बजे फांसी लगाई होगी? अब कोई समय नहीं है। मत जानकारी कैसे लगी आपको? जानकारी सुबह एक पड़ोसी उसके घर गया था देखने के लिए, तो तब पता लगा। पंखे पे टंगे थे? नहीं, और जाल था उसमें रस्सा बना था। हाँ। तो मकान अकेले भी रहते थे? हाँ, अकेला रहता था मकान में। किराए और कोई नहीं रहता मकान में? नहीं।